वालेकुम जी। हाई स्कूल के बारे में आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, और हाई स्कूल के फ्यूचर से रिलेटेड है ये कि क्या फ्यूचर हो सकता है इसका। कुछ अरसा पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सभी ब्रोकर्स ने कॉल्स देना शुरू कर दी थी कि ये बाय करें और तकरीबन 6 महीने होल्ड करें, आपको ये कई सौ परसेंट प्रॉफिट दे जाएगा। मीन टू से उनका एक दो ब्रोकर्स ने तो ये कॉल दी थी कि अगर आप 6 महीने होल्ड करते हैं तो ये 50 रुपये प्लस का शेयर हो गया, और उस वक्त ये 14-15 रुपये पे था और एकदम मोमेंटम बना था, 22-23-24 रुपये 25 रुपये पर गया और उसके बाद फिर रिवर्स गियर लगा। और आज मेरा ख्याल है आप देख लें कि पिछले कम अज़ कम 6 महीने की जो एक सपोर्ट थी वो सपोर्ट से भी नीचे क्लोज हुआ है। तो इसका फ्यूचर अगर हम बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि इस शेयर को सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कुछ हद तक रखा जा सकता था। जो डे ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, उनके लिए तो चलें कुछ हद तक ये समझ आता है कि 50-60 पैसे की ट्रेड दे जाता है, लेकिन होल्डिंग करने वालों की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये शेयर किसी भी सूरत में होल्डिंग वाला डिलीवरी आइटम है ही नहीं। उसकी कुछ एनालिसिस करते हैं। जो लास्ट इन्होंने क्वार्टर में शेयर किया था रिज़ल्ट अपना 31 मार्च 2020 को जो इन्होंने शेयर किया था, वो अगर आप इस रिज़ल्ट को देखें तो मतलब बिल्कुल सेंस नहीं बनती कि ये शेयर बाय किया जाए। आप इसका एनालिसिस करिए ज़रा कि इसकी जो इक्विटी है, शेयर कैपिटल है, वो है जी इनका 10 बिलियन का, और अगर आप इनके लॉसेस देखें जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो हैं 27 बिलियन से भी ज़्यादा के। तो आप देख लें कि तकरीबन शेयर कैपिटल से 3 गुना ज़्यादा इनके अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। तो इट मींस कि नेगेटिव इक्विटी होगी, कल को अगर ये कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो 1 रुपया भी देने की पोजीशन में नहीं है अपने शेयर होल्डर्स का, ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। और ये डिफ़ॉल्ट करने के करीब लग रही है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आप ये देखिए कि करंट लाइबिलिटीज़ इनकी 84.2 बिलियन की है, ठीक है जी, लेकिन इनका जो करंट एसेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 39.6 बिलियन के हैं। तो डबल से भी ज़्यादा की लाइबिलिटी बनती है अपने करंट एसेट से। तो ये एक अनदर बहुत 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 सेटबैक है कि ये करंट एसेट्स के थ्रू भी अपनी लाइबिलिटीज़ पे करने की पोजीशन में बिल्कुल नज़र नहीं आती। इनके कोई कर्जे हैं, कोई ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, ये अपने ट्रेड क्रेडिटर्स भी पे करने की पोजीशन में नहीं है। इनके ट्रेड क्रेडिटर्स 45 बिलियन के हैं जबकि टोटल करंट एसेट्स इनके 39 बिलियन के हैं। अगर हम इसकी क्विक रेशो निकाल लें वो तो और भी पुअर है, मतलब इनकी इन्वेंट्री अगर हम माइनस कर दें तो डेफिनेटली ये एक बहुत बुरी कंडीशन में है। उसके अलावा आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2020 में इसका जो रिज़ल्ट था 6.5 बिलियन का लॉस था, जबकि इसी पीरियड का लास्ट ईयर का 2019 में 5.5 बिलियन का था। तो लॉसेस भी इसके 1 बिलियन से ज़्यादा के इनक्रीज़ हुए हैं। तो ये किस हिसाब से, अगर आप किसी भी एंगल से आप इसको एनालाइज करें तो ये किसी भी किस्म की होल्डिंग कंपनी नहीं बनती। इसको, इस शेयर को होल्ड करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये लॉसेस वाली साइड पे जा रहे हैं। और अब इन्होंने अपना जो ऑथोराइज कैपिटल इम्प्रूव किया, डबल किया, और अब वो मैं श्योर हूँ इस हवाले से कि दो ही ऑप्शन होती हैं कैपिटल बढ़ाने के, या तो इनको लोन फाइनेंस मिल जाएगा उसके अगेंस्ट ये अपनी इक्विटी बढ़ाएंगे, या फिर ये कोई बड़ा इन्वेस्टर इनके हाथ में होगा जो इनको इन्वेस्ट करेगा, या तीसरी ऑप्शन होती है कि राइट शेयर में जाएंगे। राइट शेयर के अलावा इनके पास मुझे दूर दूर तक कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। जितनी इनके लोन फाइनेंस पहले ही चल चुके हैं, इनको कोई बैंक लोन देने की पोजीशन में नहीं है। कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, जो इसकी बैलेंस शीट अपेयर फेस पे इसकी देख लें कि बैलेंस शीट फेस ही आपको बता देता है कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए सबसे पुअर डिसीजन होगा। तो मैं ये समझता हूँ, एक मेरे दोस्त हैं नौशाद साहब, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं टेक्निकली फंडामेंटली, उनका कहना है कि इस शेयर को सेल करके GGGL आप बाय करें और होल्ड करें कुछ अरसे के लिए तो आपके काफ़ी हद तक लॉसेस कवर हो सकते हैं। ये उनकी तरफ से एक अपनी जो है एनालिसिस है, बाकी रिसर्च आपने खुद करनी है। उनकी बाइंग कॉल भी ऐसी ही होती है कि पहले आप खुद रिसर्च करें। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि इस कंपनी से जल्द बाहर आ जाए, इसका कोई फ्यूचर दूर दूर तक नज़र नहीं आ